बिहार बना माफिया राज, ये दावा विपक्ष तो बिहार में काफी दिनों से कर रहा है, लेकिन अब राजधानी पटना से इसका उदाहरण भी सामने आ गया, जो विपक्ष के इस दावे को और मजबूत कर रहा है। दरअसल पटना से खनन माफियाओं का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार की राजधानी में बालू माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। आम लोगों को छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। वीडियो में कुछ लोग आपको भागते दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग कोई और नहीं बल्कि बालू माफिया है, जो एक खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। लोगों का तो ये भी कहना है कि बिहार में अब कानून का राज समाप्त हो चुका है और पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जो बिहार की राजधानी से खनन माफियाओं के आतंक का कोई वीडियो वायरल हुआ हो। पटना से आए दिन ऐसा कोई ना कोई वीडियो सामने आता है जो ये दिखाता है कि कैसे बालू माफिया बेखौफ है और पटना में माफियाओं की तूती बोल रही है। वीडियो में महिला इंस्पेक्टर भागती रही और बालू माफिया उसे खदेड़ते रहे। बेरहमी की हद तो तब पार हो गई जब भागने के दौरान महिला अधिकारी सड़क पर गिर गई, लेकिन बावजूद इसके माफियाओं ने महिला अधिकारी को नहीं छोड़ा, उसकी पिटाई करते रहे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। उधर जो जानकारी सामने आई उसकी माने तो मामला पटना के बेहटा का है, जहां परेव में बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और खनन विभाग की टीम पर बदमाशों ने हमला बोला। हमले में खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर समेत अन्य कर्मी घायल हुए। सूचना पर आसपास के कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद भी बिहार सरकार और पटना प्रशासन पर खनन माफियाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।